हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिंटू फर्नीचर वर्क में। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं रंधा मशीन की ब्लेड में धार कैसे लगाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जो है इसमें मशीन में ये बिट लगी थी, इसे हम निकाल रहे हैं। इसे निकाल के सान वाला पत्थर उसे हम लगाएंगे। ये देखिए सान वाला पत्थर है, इसे हम टाइट कर देंगे। ये देखिए टाइट हो गया। उसके बाद हम इसमें ब्लेड लगाएंगे। ये कवर है, इसमें ब्लेड लगा के ये हम टाइट कर दिए इसे। अब इसे जो है एडजस्ट कर लेंगे हम थोड़ा सा नीचे, जिस साइज पे आएगी ब्लेड उसी साइज पे सान के सामने कर देंगे। ये देखिए मशीन चालू हो गई, धार लगना शुरू हो गया दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है ये। इसे कोई सीधी लकड़ी से ब्लेड को देखते रहना है कि धार जो है टेढ़ी ना हो, एकदम सीधी होनी चाहिए, ताकि लकड़ी जो है एकदम सीधी कटे, गुनिया में कटे। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। ये देखिए दोस्तों, दूसरी ब्लेड है, इसमें हम धार कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। ये देखिए ये देखिए ये धार लग चुकी है। अब इसे हम खोल के ब्लेड को निकाल के इसे हम जो पत्थर होता है सान वाला, जिससे धार लगाते हैं चौरसी या रुखान में, उसी पत्थर से हम इसे इसकी धार को जो है साफ कर देंगे। ये देखिए पानी डाल के उसके बाद इसे रगड़ना है। जो सान पे धार लगाते हैं तो ऊपर जो है ब्लेड ऊपर पीछे की साइड पलट जाती है, तो उसे हम इसे साफ कर देंगे। इससे जो है एकदम साफ हो जाएगा, पैन हो जाएगा ब्लेड। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए इसे हम ऐसे साफ कर देंगे। ये देखिए बीच में दोस्तों वीडियो को छोड़ना मत, आगे हम इसे कैसे सेटिंग करते हैं मशीन में वो भी बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। ये देखिए पानी जरूर डालते रहिए, पानी से धार और साफ होती है। ये जो पत्थरी है पत्थर, ये भी जल्दी खराब नहीं होता। ये देखिए इसमें भी एकदम साफ धार हो गई है। ये देखिए अब ये दूसरी ब्लेड है, इसे भी हम उसी तरह से पैन कर लेंगे। ये देखिए इसे भी हम पैन कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ये देखिए दोस्तों, इसकी भी धार एकदम साफ हो गई दोस्तों। चलिए अब इसमें जो है ये पुरानी ब्लेड को निकालते हैं हम। ये बोल्ट से ये खोल लिए, ये कवर इसके है इसे निकाल लिए। ये हम नई ब्लेड इसमें लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों,
इसे जो हल्का हल्का टाइट करेंगे ताकि ब्लेड फिटिंग करने में आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे ऊपर की ब्लेड, इसे थोड़ा सा किसी चीज़ से नीचे को ठोक देते हैं। ये देखिए ब्लेड और ये जो प्लेट है इस पे एकदम बराबर होनी चाहिए पीछे वाली। ये दूसरी ब्लेड है, ये कवर लगाई, दूसरी ब्लेड ये लग गई। ये देखिए दोस्तों इसे भी हम देख लेंगे, दोनों साइड एकदम बराबर होनी चाहिए, दोनों ब्लेड एकदम बराबर, ज़्यादा निकली ना हो ब्लेड, नहीं तो लकड़ी को उखाड़ती है, लकड़ी की सफाई नहीं आएगी। ये देखिए दोनों ब्लेड जो है एकदम बराबर निकली होनी चाहिए ऊपर को।